तेल, मैदा, ये पांच चीज़ें कम से कम खाना चाहिए। जितना हो सके कम से कम खाना चाहिए। नमक, घी, चीनी, तेल, मैदा, पांच चीज़ें कम से कम खाना चाहिए। दूसरी अंगुली, खाने के साथ पानी पीना बिल्कुल बंद आधा घंटे के बाद। तीसरी, रात की खाना सोने के दो घंटा पहले। चौथी, रात की खाना कम से कम खाना, सूरज डूबने से पहले अगर खाएंगे तो और भी अच्छा है। जब भी खाएंगे भगवान को अर्पण करके शांति से बैठ करके चबा चबा के खाना चाहिए। नॉनवेज अगर कोई खाता है मेहरबानी करके वो छोड़ के जाइए, भगवान के लिए छोड़ के जाइए, नॉनवेज इंसान के लिए नहीं है। और जो खाता है उसको छुड़ा दो, पुण्य का काम करो। हमारा बच्चे को किसी को दे नहीं सकते, किसी को बच्चे खाने का अधिकार हमको नहीं है। ये हंसने की बात नहीं है, बहुत ज़रूरी बात है। मर्जी आपका है, जो करना कर सकते हैं। लेकिन बिस्तर से उठते हैं दो गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। ये क्या करता है, बहुत शरीर के अंदर दवाई का काम करता है। मुंह खुला नहीं करना, थूकना नहीं, वो ले लेना। ये हो गई खान पान के बारे में। माउंट आबू छोड़ने से पहले ये पांच अंगुली को रोज चेक करो है या नहीं है। छोटा अंगुली बोलते कम से कम सवेरे 5 बजे उठना चाहिए। दुनिया में जो महान व्यक्ति होके गए उसकी जीवन कहानी पढ़ो, जल्दी उठते थे। हमारा दादी हमारे सामने हैं, 103 साल की हैं, 12 घंटा काम करती हैं, अभी भी दादी 4 बजे 3 बजे उठती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा आप उतना बजे, कम से कम 5 बजे उठो, ठंडा पानी से मुंह धोले करके 15 मिनट परमात्मा को याद करो, ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, सारा दिन दिमाग फ्रेश रहेगा, अच्छा रहेगा। दूसरे अंगुली याद रखो, जब भी खाना खाएंगे बोलना, हंसना, टीवी, चुगली, बात करना बंद करो। सारा दिन बोलते रहते हैं, कम से कम खाने वक्त शांति से बैठ कर चबा चबा के खाना चाहिए। मेडिकल ये बोलते हैं खाने वक्त बीच में ऑक्सीजन नहीं जाना, एयर नहीं जाना चाहिए, तो आप बोलेंगे तो जाएंगे, इसलिए मुंह बंद करके चबा के खाएंगे, आपको हेल्थ अच्छा रहेगा। हमेशा दांत जो है पेट में नहीं है, मुँह में है। तीसरी अंगुली, रात को 10 बजे तक सो जाना चाहिए, अगर घर में काम नहीं है तो। बात को पूरा सुना, आधा नहीं सुना, एमरजेंसी है 24 घंटा जागो, पढ़ाई है, नौकरी है, शादी, कोई प्रोग्राम है, लेकिन कोशिश करके 10 बजे तक सो जाना चाहिए। जो 9 बजे होते हैं उसको हीरा बोलते हैं, हीरा। 10 बजे सोना सोना है, 11 बजे लोहा है और 12 बजे राक्षस है। सबसे ख़राब रात होता है 11, 12, 1, 2, इस वक्त जागना नहीं चाहिए। ज़रूरी काम है तो जाग सकते। सोने से पहले 5 साल का बच्चे बनो, आप 5 साल में उम्र में कैसे थे वो दिन याद करो, मस्त ज़िंदगी था, इससे कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं साउंड स्लीप। चौथी अंगुली याद रखो, दुनिया में सबसे सुखी इंसान कौन है, जो बहुत सुंदर दिखता है, बहुत पैसे वाला, वो सुखी नहीं है। जो मन को कंट्रोल करता वो सुखी इंसान है। सारी खेल मन की है, ये मन को कंट्रोल करने वाला दुनिया में सबसे सुखी इंसान है। बस एक छोटा सा काम करो, आप कर सकते। ब्रह्मा कुमारी आश्रम के अंदर 99% लोग शादीशुदा बाल बच्चे वाले ओम शांति में आते हैं। 1% हमारे जैसा पूरा जिंदगी भगवान को दिया है, इसीलिए आप ओम शांति में आधा घंटा डेली जाना, सब कुछ प्राप्त होगा आपको, क्योंकि भगवान की ज्ञान हमेशा के लिए सुखी बना देता है। और पांचवी अंगुली है, इस आश्रम का जो बड़ी माँ है, दादी जानकी माँ, दादी कहते हर इंसान को 5 गोली खाना चाहिए। हम लोग कहा ना का बीमार तो है, मैं बीमार हूँ, आप बीमार, सब बीमार हैं, गुस्सा तो सभी के पास है ही ना, भरा हुआ गुस्सा। तो ये 5 गोली खाएंगे हेल्दी रहेंगे। पहले गोली के नाम धीरज, उतावल कभी नहीं करो। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, छोटी बात, गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, सारा जिंदगी ऐसे की शांति कहाँ मिलने वाला। दूसरा गोली के नाम प्रेम, आप अपना बच्चे को कितना प्यार करते उतना दूसरों को प्यार करते। तीसरा गोली का नाम शांति, आपका चेहरे में गुलाब का फूल दिखाई जाना चाहिए, आपके लिए लोग बोलना चाहिए मोहल्ले में, ये बहन हमेशा खुश रहती है, हंसते रहते हैं। चौथा गोली का नाम है खुशी, ये कपड़ा भी नहीं लाए थे जब आए थे, ये कपड़ा भी नहीं लाए थे, ये दोनों नहीं लाया, यहीं से लिया, और दोनों छोड़ के जाता हूँ मैं भी, और आप भी छोड़ के जाते हैं, टेंशन लेना ही नहीं है, जितना मिला उतना मैं खुश रहूँ। और पांचवा गोली का नाम है संतुष्टता, आपका जीवन तृप्त होना चाहिए, जितना मिला उतना मैं। एक बार सब प्यार से बोलेंगे, धीरज, प्रेम, शांति, खुशी, संतुष्टता। सभी बहनों का नाम खुशी रखेंगे, क्या नाम है, भाइयों के नाम प्रेम, प्यारेलाल, और कुमारियों का नाम शांति, कुमारों का नाम संतुष्टता। घर में 4 फैक्ट्री होना चाहिए, खूब इनकम आएगा। दिमाग के अंदर बर्फ की फैक्ट्री खोल के रखो, एकदम शांत। मुंह में शुगर फैक्ट्री, मीठा बोलो, मीठा कम खाओ, बोलो ज़्यादा। दिल में प्यार का फैक्ट्री, सभी को प्यार करो, दुआ मिलेगी। और आत्मा में परमात्मा का फैक्ट्री, जिंदगी बनता है सेटिस्फाइड। और भगवान ने आपको 5 हाथ दिया, हमेशा चेक करो है या नहीं। पहले हाथ देने वाला होना चाहिए,
कोई भी गरीब आता है तो आधा रोटी जरूर खिला देना, रुपया दान नहीं करना, गरीब बच्चों को खाना खिला जरूर खिला सकते। दूसरी हाथ, आपका जन्मदिन होता है ना, बर्थडे मनाते हैं ना, बच्चों को खाना खिलाना, गरीबों को खाना खिलाना, ये है बर्थडे मनाना। दूसरी हाथ, चार उंगली अपने को देखना, परमात्मा को देखना एक उंगली। सारा जिंदगी हमने दूसरों को देख लिया, चुगली किया, अभी बंद करो, अपने को देखो, अपने से बातें करो। तीसरा हाथ, बहता हुआ पानी बनो, किसी ने कुछ बोला क्षमा करो। चौथी हाथ, लक्ष्मी का, आप सब देव कुल के रहने वाले हैं। और पांचवी हाथ, वरदान किया, मैं शिवानंद हूँ, 30 साल से ब्रह्मा कुमार जुड़ा हूँ, कर्नाटक से हूँ, यहाँ 28 साल से भगवान को पूरा जीवन दिया, सेवा करता हूँ, आपका जिंदगी हमेशा हरा भरे, हम ये चाहते हैं। एक बार मुस्कुराओ ना।